मकान निर्माण को लेकर हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, पुलिस ने दोनों पक्षों का किया चालान। फतेहपुर में मकान निर्माण को लेकर एक परिवार के दो पक्षों के बीच रविवार को बवाल हो गया, एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार किया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र मुरनाई टोला निवासी श्यामू वर्मा की पत्नी राधा देवी ने बताया कि वह अपनी जगह पर शौचालय का निर्माण करा रही हैं। उनकी ननंद पूनम, पत्नी गुलाब वर्मा, बहन श्रद्धा देवर, धर्मेंद्र ने अचानक मजदूरों पर हमला कर दिया, जबकि मामले में पहले ही समझौता हो चुका है। मजदूरों के साथ हाथापाई का विरोध करने पर पति श्यामू और उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, उन दोनों के सर फट गए। उधर दूसरे पक्ष में ननंद पूनम की ओर से श्यामू और राधा के खिलाफ मारपीट की तहरीर दी गई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि घायलों को मेडिकल के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिला संवाददाता मुकेश द्विवेदी, फतेहपुर। जनपद फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मुराई टोला चौकी के अंतर्गत पारिवारिक मकान के विवाद में मकान के छज्जा निकालने को लेकर जीजा साले व बहन में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस के द्वारा द्रुतात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।